मैं निमरता साहब दादूवाल साहब झिंडा साहब तो उन्होंने नाल अरोड़ा साहब तो नलवी साहब उन्होंने बेनती करता नोटिफिकेशन आ ये जे आप इदा ही चलाया तो फिर जिदा अज नंदेड़ साहब का अफजल नगर नंदेड़ का चलता तक इवें कमेटी भी चलू इस खादा सानू खासा सी वो खासा अज सानू प्रतक्ष नजर आ रहा है। थानू निमरता साहब बेनती है डुले बेर का हल भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं 1920 का भी थानू समा चेते करवाना चाहना उस 1920 के समय में सरकार ने कमेटी नॉमीनेट कर दी सिखा ने बर्दाश्त नहीं सी की भावें अड़ाओ कमेटी अपनी बनाई श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती के आ जाओ साढ़े सारी अगवाई पंथ की प्रस्ती श्री अकाल तख्त साहब करते हैं। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर हरियाणा सरकार वालों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस तों बाद सियासत मुड़ गरमा गई है। इस मामले ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने हरियाणा के सिख आगुआ नूं अपील की है कि डुले बेर का कुछ नहीं बिगड़िया श्री अकाल तख्त साहब जी की शरण चाओ श्री अकाल तख्त साहब की शरण च आने नाल सारे मसले हल हो जाएंगे जे आपां ना आए तो इतिहास ने सानू माफ नहीं करना। ये 24 अक्टूबर नूं एक नोटिफिकेशन हुई हरियाणा सरकार वालों गवर्नर वालों इहदे विच जिहड़ा असीं खालसा जाहर करदे सी कि सरकार सीधी दखलंदाजी कर दूगी उह इहदे विचों बिल्कुल प्रतक्ष नज़र आउंदी आ। इहदे विच कीता कि उन्हां ने कि ऑल द 41 मैंबर सो नॉमीनेटेड बाई द गवर्नमेंट शैल इलैक्ट देयर प्रेजिडेंट्स सीनियर प्रेजिडेंट एटसट्रा जिहड़े उन्होंने एक रखिया ये एडहॉक कमेटी जिहड़ी आ ये सरकार ने नॉमीनेट करनी आ ना कि उत्थे दी संगत ने नॉमीनेट करनी। इहदे विच एक होर गाहां फर्दर होर प्रोविजन पाता इट विल एग्जिस्ट फॉर 18 मंथ्स आफ्टर 18 मंथ्स वट विल हैपन प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इलैक्शन अंडर सैक्शन 11 आर नॉट हैल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ आर्लीअर जी 18 महीने वो नहीं चोन होंगी जी नॉमीनेट सरकार ने करनी आ फिर ए न्यू एडहॉक कमेटी शैल बी नॉमीनेटड बाई द गौरमेंट फॉर ए फरदर पीरियड ऑफ 18 मंथ मीनिंग देयर बाई के 3 साल की जी उन्हें इस नोटिफिकेशन दे एक दे दी आ जी एडहॉक कमेटी वो सरकार बनाऊगी। हूँ एक सवाल पैदा होंगे कि ये पैरा नंबर 2 सबसैक्शन 2 का पैरा नंबर 9 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा बहुत अहम रखता सिखां लई कदे भी सिख बर्दाश्त नहीं करते द गवर्नमेंट मे नॉमीनेट वन ऑफ द मैंबरस ऑफ द कमेटी और द एडहॉक कमेटी एज द केस मे बी एज पैटर्न। हुण सिखां दे विच पैटर्न केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब साडी सरप्रस्ती करते आ दूसरी सरप्रस्ती साढ़े श्री अकाल तख्त साहब करते हैं। मैं निमरता साहब दादूवाल साहब झिंडा साहब तो उन्होंने नाल अरोड़ा साहब तो नलवी साहब उन्होंने बेनती करदा नोटिफिकेशन आ ये जे आप इदा ही चलाया तो फिर जिदा अज नंदेड़ साहब का अफजल नगर नंदेड़ का चलता तख्त इवें थोड़ी कमेटी भी चलूगी इस खादा सानू खासा सी वो खासा अज सानू प्रतक्ष नज़र आ रहा। थानू निमरता साहब बेनती है डुले बेर का हल भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं कुछ दिन पहला भी बेनती की सी कि तुसी श्री अकाल तख्त की शरण में आवो जे आप शरण अकाल तख्त की आवेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे तो जे आप ना आए कितने चूक कर गए तो फिर इतिहास ने सानू माफ नहीं करना। मैं 1920 का भी थानू समा चेते करवाना चाहना उस 1920 के समय में सरकार ने कमेटी नॉमीनेट कर दी सिखा ने बर्दाश्त नहीं सी की भावें एडहॉक कमेटी अपनी बनाई सी सो ये सीधा प्रबंध जिहड़ा हरियाणा कमेटी का वो हरियाणा सरकार के हिस्से चलिया जाना। मैं निमरता साहब बार बार इस करके बेनती करदा आता हुण प्रतक्ष सारा कुछ सानू दिस रहा कि जिहदी पैटर्न एक मनुख करूगा तो साढ़े का पवित्र सिद्धांत जिहदे ते अज आपां खड़े हाँ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ उस सिद्धांत नूं मध्यम पाउण दा अज कोझा जतन जिहड़ा आ हो रहा। मैं थानू निमरता साहब बार बार फिर बेनती करदा कि ये श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच आ जाओ साढ़े सारी अगवाई पंथ की प्रस्ती श्री अकाल तख्त
साहब करते हैं और साड़ी सरप्रस्ती असी सिख ने हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया रह के ये सारे कार्ज करने हैं। सो मैं ये जी नोटिफिकेशन इनू स्ट्रोंगली कंडेम भी करदा, सरकार नू भी कहना इवें दे सीधे मसले उलझाओ ना, ये धार्मिक मसले आ। पहलियां सरकारां भी उलझाउंदियां रहियां, साडे सामने नतीजे आ, क्योंकि सिख पंथ की एक अदुत्ती सिद्धांत जिहड़े सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीते सी, वो अदुत्ती सिद्धांत गुरशब्द दे नाल जुड़े हुआ, श्री अकाल तख्त साहब दे नाल जुड़े हुआ, पंजां प्यारियां दे नाल जुड़े हुआ। सो इस करके जिहड़ा असीं बड़े लंबे अरसे का खासा करते सी कि सरकार सीधी दखलअंदाजी करूगी, वो दखलअंदाजी अज प्रूव हो गई आ। उन्हां नूं भी बेनती करदा कि इहो जिहियां कारवाइयां करन लगे कल नूं इक होर नोटिफिकेशन कर दोगे भई ये तो 10 साल लई सरकार बनाती, तो फिर आके तुसीं साडे हरियाणे दे सत्कारत वीर आ, फिर जदोजहद करांगे, चंगा नहीं लगू। अजे ही आपां इस बैनर दे थले इकट्ठे होईए, सिख कौम मरा भरा मारू जंग दे विच कदे भी यकीन नहीं रखदी, पर अज सानू उधरले वालों प्रेरणा की जा रही है। सो कदे भी सिख ने बर्दाश्त नहीं किया। सो मैं सारिआं नूं फिर अंत दे विच जिथे आ नोटिफिकेशन इहदी सख्त निंदा करदा, उत्थे उह सरकार इहनूं तुरंत वापस लवे। जे लोकां ने नहीं चोण करनी ते फिर तो फिर चोन सरकार ने नोमीनेट करने, फिर सरकार के तो नुमाइंदे जो जे होंगे थोड़ा पता ही है। सो बहुत ये एक साडे लई दुखदाई इन्होंने आह जी नोटिफिकेशन की आ, तो हरियाणे दे लई खास करके असी कानूनी चारा जोरी भी कर रहे हैं और दूसरी चारा जोरी लोगों दिया सत्थां दे विच जा के ये भी जदों तक ये वापस नहीं होंगे उद तक असी जारी रखांगे। दूसरी बेनती 26 ते 27 तरीक न श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी के श्री दरबार साहब के प्रबंध वालों 2 दिन असी इत्थे बड़े समागम पंजा साहब के साके 100 साल शताब्दी समर्पित इत्थे वो मनाए सके। दस दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दरमियान विवाद जारी है। हुण देखना होगा कि मामला अगे जाके की मोड़ लैंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनती है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले पर करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो। मैं निमरता साहित दादूवाल साहब, झिंडा साहब ते उहनां दे नाल अरोड़ा साहब ते नलवी साहब, उहनां नूं बेनती करदा नोटिफिकेशन आ, ये जे आपां इदां ही चलाया ते फिर जिदां अज नंदेड़ साहब दा अबचल नगर नंदेड़ दा चलदा तक इवें तुहाडी कमेटी भी चलूगी। इस खादा सानू खासा सी, वो खासा अज सानू प्रतक्ष नजर आ रहा। थानू निम्रता सहित बेनती है, डोले बेरों का हाल भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं 1920 का भी थानू समा चेते करवाना चाहना, उस 1920 के समय में सरकार ने कमेटी नोमीनेट कर दी, सिखा ने बर्दाश्त नहीं सी की, भावें अड़ाओ कमेटी अपनी बनाई। श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच आ जाओ, साडे सारी अगवाई पंथ की प्रस्ती श्री अकाल तख्त साहब करदे आ।